हेलो एंड वेलकम टू प्लांट हाउस अनलिमिटेड। आपने मेरा कड़ी पत्ते को घर पे कैसे ग्रो करना है इसका एक वीडियो मैंने बनाया था, उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने देखा होगा और इसे ग्रो करना भी स्टार्ट कर दिया होगा। तो मैंने सोचा क्यों ना कड़ी पत्ते के साथ साथ धनिया ग्रो करने का भी टेक्निक दिखा दूँ। तो मैंने भी अपने घर पर धनिया ग्रो किया और पूरा का पूरा स्टेज कम्प्लीट करने के बाद आज आपके सामने ये वीडियो लेकर आ रही हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज धनिया घर पर कैसे ग्रो करते हैं। तो सबसे पहला सवाल उठता है कि धनिया को ग्रो करने के लिए कौन सा सीड्स लें। वैसे आप अपने ग्रोसरी स्टोर से जो आप नॉर्मल धनिया जो सीड्स लेते हैं वही आप ले सकते हैं, पर उसे कूटना नहीं है। कई लोग ये गलती करते हैं कि उसे बेलन से कूट देते हैं और जिसके वजह से उनकी जो सीड्स है वो डैमेज हो जाता है और यही वजह है काफ़ी लोगों का जो कोरिएंडर का गार्डन बनाने का सपना होता है वो टूट जाता है। हम ऐसा नहीं करेंगे, हम इन सीड्स को लेंगे और उसे पानी में सोक कर कर रखेंगे 24 आवर्स तक, 24 घंटे तक। आप इसे 8 से 10 घंटे भी रख सकते हैं लेकिन मैंने 24 घंटे तक रख दिया था। इसके बाद ये जो सीड्स है कुछ इस तरह से फूल जाएगा और फूलने की वजह से इसकी जो सीड्स है ना ये ओपन हो जाती है। तो जो चीज़ आप कूट कर करना चाहते हैं वो चीज़ आप पानी में सोक करके भी कर सकते हैं और वो भी बड़ी आसानी से। ये टेक्निक फॉलो करने से आपके जो सीड्स है वो डैमेज नहीं होंगे। जब तक हमारा धनिया पानी में सोक हो रहा है तब तक हम इसके पॉट और मिट्टी की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे दो टाइप का पॉट्स लिया हुआ है, एक है प्लास्टिक जो कि रेक्टेंगुलर पॉट है और दूसरा एक क्ले पॉट है जो नॉर्मली बिरयानी ऑर्डर करते वक्त आपको मिल जाता है। तो ये जो क्ले पॉट है इसमें मैंने कोई ड्रेनेज होल नहीं बनाया है क्योंकि जब मैं इसमें पानी डालूंगी तो इसके पॉट की मटेरियल ऐसी है कि ये पानी जो है ना ये पूरी की पूरी पॉट की बॉडी से इवोपरेट हो जाएगी, तो मुझे इसमें ड्रेनेज होल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर प्लास्टिक पॉट में ऐसा कुछ नहीं होता, इसीलिए इसमें काफ़ी सारे ड्रेनेज होल्स बना कर रखे हैं। पॉटिंग मिक्स कैसे बनाएं? तो पॉटिंग मिक्स बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे गार्डन सॉइल। और बहुत इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए ये पॉइंट कि गार्डन सॉइल जो हम लेंगे वो क्ले टाइप नहीं होना चाहिए। तो ये जो गार्डन सॉइल है ये 100% हमें ऐसे के ऐसे नहीं यूज़ करना है, इसमें हम डालेंगे 30% कंपोस्ट। आप कोई भी कंपोस्ट ले सकते हैं, आप किचन वेस्ट कंपोस्ट ले सकते हैं या काउडंग कंपोस्ट ले सकते हैं या वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं, या अगर आपके पास और कोई कंपोस्ट है तो आप वो भी ले सकते हैं। नेक्स्ट इसमें अगर आपको कोकोपीट ऐड करना है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं हाईली रेकमेंड करूँगी कोकोपीट ऐड करने के लिए क्योंकि इससे आपके सॉइल में जो है ना मॉइस्चर बना रहेगा और धनिए को मॉइस्चर की ज़रूरत होती है, इसे हमें टोटली ड्राई नहीं करना है। तो आप थोड़ा सा कोकोपीट भी ऐड कर दीजिए, तो एक 10% या 20% आप कोकोपीट भी ऐड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि हम इसमें सीड कैसे सो करेंगे। अब सीड इसमें कैसे सो करना है ये मैं आपको पूरा का पूरा वीडियो में दिखाऊंगी, आप प्लीज़ ध्यान से देखना और समझना और फिर इसे फॉलो कीजिए, इससे आपके जो सीड्स है वो बहुत ईजीली लग जाएंगे।
अब इन सीड्स को कवर करने के लिए हम कोकोपीट यूज़ करेंगे, और कोकोपीट इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि लिए कोकोपीट जो है ना वो काफ़ी लाइट वेट होता है। जब सीडलिंग्स निकलते हैं तो सीडलिंग्स बहुत डेलिकेट होता है, और सीडलिंग्स को कोकोपीट से निकलते वक्त बहुत ही ईजी होता है। अगर आप इसके ऊपर सॉइल डालेंगे तो सॉइल जो है ना वो थोड़ा सा स्टिफ हो जाता है, तो इसके वजह से आपका जो जर्मिनेशन है उसका रेट थोड़ा कम हो सकता है और इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। तो इसीलिए मैं एडवाइस करूँगी आप सभी को कि आप जब सीड्स डालेंगे तो उसके ऊपर से आप कोकोपीट ज़रूर डालें, ताकि इसके जो सीड्स है काफ़ी ईजिली स्प्राउट होके निकल आए। अब एक बढ़िया सा कोरिएंडर ग्रो करना है तो इसे थोड़ा सा धूप तो दिखाना पड़ेगा, पर जब इसकी सीड्स आप लगाते हैं तब हम इसे थोड़ा सा शेड में रखेंगे, और जैसे ही इसके ट्रू लीव्स निकल आते हैं तब हम इसे शेड से बाहर निकालेंगे और इसे कम से कम सुबह की 4 से 5 घंटे की धूप देंगे। आफ्टरनून की धूप इसके लीव्स को बर्न कर सकते हैं, येलो कर सकते हैं, तो आफ्टरनून की धूप से इसे दूर रखिए, और इस तरह से आप बढ़िया सा कोरिएंडर अपने घर पे इजीली ग्रो कर सकते हैं। सीड्स को सो करने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसकी वाटरिंग। तो अब वाटरिंग करते वक्त आपको ऐसा स्प्रे बॉटल नहीं यूज़ करना चाहिए जिसका प्रेशर काफ़ी हाई हो, तो आपको कोई भी एक लाइट स्प्रिंकलर आपको यूज़ करना है। अगर आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं है तो मैंने जो ये टेक्निक यहाँ पे बताई है वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। मैंने कोई हाई फंडा टेक्निक नहीं यूज़ किया, सिंपल सा अपने हाथ में थोड़ा सा पानी लिया और वो पानी को मैंने सीड्स के ऊपर थोड़ा थोड़ा करके छिड़क दिया। तो हमें इसके सिर्फ टॉप लेयर की जो सॉइल है उसी मॉइस्ट करना है, क्योंकि लिए हमारा प्लांट जो है ना इसमें ज़्यादा रूट्स नहीं है, इनफैक्ट बिल्कुल भी रूट्स नहीं है, रूट्स तो अभी निकलेंगे। तो जब तक सॉइल में रूट्स नहीं है तब तक सॉइल को मॉइस्चर यानी पानी की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम उतना ही पानी डालेंगे जो लेवल में हमारे सीड्स हैं, जो कि टॉप लेयर। तो जब हम पानी डालेंगे हम सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे कि टॉप लेयर जो है ना वही सिर्फ मॉइस्ट रहे। अब जब आप वाटरिंग करेंगे तो ये जो लेवल के मॉइस्चर है वो शायद से 24 घंटे में सूख सकते हैं। तो अगले दिन आपको यही प्रोसीजर रिपीट करना है जब तक आपकी सीडलिंग्स ना निकले। 10 दिन बाद ये है रिज़ल्ट। मैं जानती हूँ कई लोगों ने देखा होगा कि 3 दिन में कोरिएंडर ग्रो करने का टेक्निक है, बट 3 दिन में कोरिएंडर के सिर्फ ट्रू लीव्स निकलते हैं, और वो भी कभी कभी 4 से 5 दिन तो आराम से लग जाते हैं। तो 10 दिन के बाद आप अगर आप देखेंगे तो आपके जो सीडलिंग्स है कुछ इस तरह से ग्रो होते हुए आपको दिखाई देगी। एक बार आपकी सीडलिंग्स स्प्राउट हो गई है तो इसके बाद जब आप वाटरिंग करेंगे तो इसके लीव्स के ऊपर बिल्कुल भी पानी मत डालिए, क्योंकि ये जो लीव्स होते हैं ना ये काफ़ी डेलिकेट होते हैं, इनके स्टेम्स जो है वो काफ़ी नाजुक होता है, डेलिकेट होता है। ये अगर आप इसके ऊपर पानी डालेंगे डायरेक्टली ऊपर से तो ये जो है ना ये बेंड हो जाएगा और शायद से आपका जो कोरिएंडर है वो ख़राब भी हो सकता है। तो इसका एक सोल्यूशन मैं आपको बताती हूँ। आप चारों कॉर्नर में एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, आप एक नाइफ या सीजर्स किसी भी चीज़ से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, और ये कोनों में आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालिए। ऐसा करने से आपका पूरा का पूरा पॉट जो है ना वो पानी अब्सॉर्ब कर लेगा और आपके कोरिएंडर के प्लांट को नीचे से पानी मिल जाएगा। अगर आपको ये टेक्निक करना नहीं आता है तो आप कोई भी एक ट्रे ले सकते हैं, उसमें पानी डालकर ये पॉट को उसके ऊपर रख सकते हैं। इसे कहते हैं बॉटम वाटरिंग। अब जो आप देख रहे हैं ये कम से कम 20 या 25 दिन के बाद का वीडियो है, जो आपका कोरिएंडर जो है ना काफ़ी अच्छे से ग्रो हो गया है। इस वक्त आप इसे पिंचिंग कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था बट वो पता नहीं शायद से गलती से डिलीट हो गया, तो सॉरी फॉर दैट। बट आप ऊपर से इसे पिंचिंग करके निकाल सकते हैं। पिंचिंग करने से होता ये है कि आपके जो लीव्स है वो और भी अच्छे से ग्रो होंगे। तो जब तक आपका मनचाहा साइज़ में ये प्लांट ग्रो नहीं होता है तब तक आप इसे पिंच करके आप ग्रो कर सकते हैं। अगर आपने कोई फ्लावर बड्स देखा है
जो कि इस तरह से सफ़ेद कलर रंग का होता है, तो इसे भी आप निकाल दीजिए। अगर आपको सीड्स ग्रो करना है तो आप इसे रहने दीजिए, लेकिन अगर आपको सिर्फ लीव्स चाहिए, धनिया जो कुकिंग के लिए यूज़ होता है, अगर सिर्फ वही चाहिए तो ये फ्लावर हेड्स को आप पिंच करके निकाल सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आप घर पे आसानी से कोरिएंडर को ग्रो कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए और मैं ट्राई करूँगी आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए। और हाँ, मुझे ये भी बताना कि आपको मेरा अगला वीडियो कौन सा चाहिए। अगर आपको किचन गार्डन के रिलेटेड चाहिए या आपको ऑर्नामेंटल प्लांट्स के बारे में चाहिए, जैसे मेरे यहाँ पे दिख रहा है, तो आप मुझे ज़रूर बताइए आपको कौन सा वीडियो देखना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग प्लांट हाउस अनलिमिटेड। सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड हैप्पी गार्डनिंग।